गाइस वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। ब्लॉग पसंद आए तो लाइक कर लीजिए, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। तो गाइस अभी मैं हूँ हमारे नए घर पर जहाँ पर काम चल रहा है, और अभी से आज से वापस से सारा काम चल गया क्योंकि आज चल रहा है वेस्ट का जितना भी जो पानी जाएगा पूरा वो बाहर के लिए पाइप डल रहे हैं, और गेट का भी काम कम्प्लीट हो जाएगा वॉशरूम के इनके सभी पे। तो मैं दिखा देता हूँ आपको, मैं अभी फर्स्ट फ्लोर से दिखाता हूँ किस तरीके का काम चल रहा है। ये देखिए यहाँ से खुदाई का काम चल रहा है अभी यहाँ से। तो ये यहाँ से लाइन डलेगी, यहाँ से डल के सीधा ये चैम्बर बना हुआ है इस चैम्बर में आ जाएगी। तो गाइज फाइनली अभी यहाँ से हो रही है खुदाई, और यहाँ से खुदाई करके वहां से पाइप लाइन डालेंगे इस ड्रिल मशीन से करें खुदाई। तो गाइज फाइनली अभी आ चुके हैं बड़े वाले पाइप, और खुदाई भी कंप्लीट हो चुकी है। अब दिखाता हूँ पहले की जो लाइन गड़ी हुई थी वो भी मिल गई है यहाँ पर। ये देखो पहले वाली लाइन जो थी वो भी मिल गई यहाँ पर, और ये देखो, और ये देखो कितने मोटे मोटे पाइप आए हैं भाई, 6-6 इंच के बड़े सारे पाइप हैं। अब ये लगेंगे यहाँ पर, ये देखिए, और इसमें मिक्स हो जाएगा ये। तो गाइस फाइनली अभी खुदाई पूरी कंप्लीट हो गई, और अब लगा रहे हैं इसके अंदर पाइप, जो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखो इसके अंदर ये बड़े वाली पाइप पहले यहाँ पे लगा दिए, ये पानी वाले पाइप है। अब उस साइड से लगा रहे हैं, यहाँ पर चैम्बर बना रहे हैं, एक चैम्बर वहाँ पे बनेगा, एक शायद यहाँ पे बनेगा यहाँ पे, और फिर ये कनेक्शन हो जाएगा इसके अंदर। इधर यहाँ तक खुदाई कंप्लीट हो चुकी है। ये देखो ये भैया लग रहे हैं सुबह से, भाई साहब इनकी भी हिम्मत ही है, इतनी सारी खुदाई कर रहे हैं, इतनी मेहनत। बट आजकल ये वाली मशीन आ गई जो इसके साथ में ज़्यादा दिक्कत नहीं होती, इससे इजी हो जाता है खोदना भी। गाइस फाइनली पूरा काम कंप्लीट हो चुका है, और सभी लोग भी घर जा चुके हैं, और अब दिखा देता हूँ कितना सब बचा है। थोड़ा सा बचा, पूरा दिन लग गया, मेरे को तो लग ही नहीं रहा था कि पूरा दिन लग जाएगा, फिर भी पूरा दिन लग गया। और देखो भाई साहब यहाँ से फिटिंग स्टार्ट हुई है और वहाँ तक गई है। अब इसमें एक चैम्बर यहाँ पे बनेगा, उसकी जगह छोड़ दी उन्होंने यहाँ पर, और एक चैम्बर यहाँ पे बनेगा उसकी जगह छोड़ दी, और यहाँ से सब कुछ अंडरग्राउंड कर दिया। सारा काम कंप्लीट हो चुका है और मैं भी फ्री हो चुका हूँ। तो गाइस अब मैं भी फ्री हो गया, अब जा रहा हूँ पुराने घर पे जहाँ पर रह गए। थोड़ा बहुत ज़्यादा थक गया आज, तो सारे दिन काम कर रहा था, कभी ये चीज़ लेके आओ कभी वो चीज़ लेके आओ। हेलो गाइस गुड मॉर्निंग, तो मैं आ गया हूँ अपने घर पर, और आज दिखा देता हूँ आप, आज हमारे गेट भी लग चुके हैं वॉशरूम के, दिखाता हूँ कितने मस्त लग रहे हैं। आप कमेंट करके बताना आपको कैसे लग रहे हैं। ये देखिए गाइस ये गेट भी लग गए हैं यहाँ पर, और इसकी वेंटिलेशन की जाली भी लग गई यहाँ पर खिड़की, इसको यहाँ से खोलो, और ये देखो सामने वाली जाली भी लग बन गई इसकी, लाइट जला देते हैं। ये देखिए ये हो गया काम कंप्लीट, लाइट भी लग गई, सब काम, अब साफ सफाई का काम है। और इस वाले खिड़की में भी ये देखो, इस वाली में भी वेंटिलेशन के लिए ये वाली खिड़की लग गई, और ये गेट लग गया। कितना अच्छा लग रहा है आप कमेंट करके बताना आपको कैसा लग रहा है। और अंदर वाला जो वॉशरूम है उसका भी लग गया, देखो ये वाली वॉशरूम करें, इसमें भी बहुत अच्छी लग रही है ये। ये देखिए इसमें आप कमेंट करके बताना कैसा लग रहा है। और अब मैं दिखाता हूँ आपको जो पाइप का बाहर काम हुआ था वेस्ट के पाइप का, वो भी देखो होने के बाद कैसा लग रहा है। ये देखो चैम्बर कहाँ कहाँ बने थे, ये इतने सारे तो पाइप लग गए, ये दो चैम्बर बने थे यहाँ पे फाइनल। अब ये इनका काम कंप्लीट हो चुका है, यहाँ बिल्कुल भी काम नहीं है। अब जो भी काम होगा वो अंदर अंदर होगा, और सिर्फ यहाँ तो रैंप बनेगा। और गाइज एक चीज़ बता देता हूँ यार आपको, घर बनाना इतना बड़ा मुश्किल का काम है ना, समझ ही नहीं आता, परेशान ही हो जाते हैं। कभी क्या दिक्कत आ रही है, कभी क्या दिक्कत आ रही है, कभी ठेकेदार नहीं आ रहा, कभी प्लम्बर नहीं आ रहा, कभी टाइल वाला नहीं आ रहा, फिर एक को फोन करो तो एक नहीं आता, एक की वजह से दूसरे का काम अटक जाता है। इतनी सारी प्रॉब्लम आती है ना, इससे बढ़िया सबसे बढ़िया आप बना बनाया घर ले लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अपनी साफ सफाई करो, इनोग्रेशन करो, गृह प्रवेश करो, और रहो मस्ती से, बस इनमें इतने लफड़े होते हैं ना, कहाँ तो सामान खाली करवाना है, कितना आ रहा है कितना नहीं आ रहा, इतनी ज़्यादा समस्या ना भाई, पूरे ही परेशान हो गए पूरे घर वाले, और समझ अभी भी समझ नहीं आ रहा, अभी भी काम कम्प्लीट नहीं हो रहा, पता ही नहीं चल रहा कब होगा यार। इतना पता होता ना तो कोई बना बनाया घर ही ले लेते, सच में बहुत ज़्यादा परेशान हो गए और समझ में भी नहीं आ रहा सच में। और गाइज अभी ना धो करके आ गया, मैं ऑफिस जा रहा हूँ,
और गाइज अभी नवरात्रि स्टार्ट होने वाले हैं, तो आपको नए नए ब्लॉग देखने को भी मिलेंगे। दशहरा का भी देखने को मिलेगा, दिवाली का भी देखने को मिलेगा, और नवरात्रि के तो मिलेंगे और गरबा का। हाँ देखो, इस बार डिसाइड करते हैं और एक अच्छा सा इवेंट में चलते हैं जहाँ पर गरबा होगा, उसमें भी खूब इंजॉय करेंगे। और आप ब्लॉग पर कंटिन्यू रहिएगा, आप देखते रहिएगा, आपको नए नए ब्लॉग देखने को मिलेंगे और इंटरेस्टिंग मिलेंगे। हो सकता है कि ऐसा ट्रिप भी कर रहा हूँ जो आपको शॉक्ड लगे, तो ऐसा भी ब्लॉग देखने को मिल सकता है। आप वेट कीजिए और आप जल्दी जल्दी कमेंट करते रहिए यार, आपको किस तरीके के ब्लॉग देखना है आप कमेंट करा करो, तभी तो मेरे को पता लगेगा आपको देखना क्या है। तो आप कमेंट ही नहीं करते तो मेरे को पता ही नहीं चलता कि आपको क्या देखना होता है। तो आप कमेंट करना है इस वाले वीडियो में, कमेंट करना कि आपको किस तरीके का ब्लॉग देखना है और अब कौन सी आपको लोकेशन भी देखनी है, वो चल के साथ में एक्सप्लोर करेंगे और इंजॉय करेंगे। और गाइस फाइनली पहुंच चुका हूं मैं अपने स्टोर पर, और देखिए स्टोर का व्यू किस तरीके का है। ये देखिए भाई, स्टॉक भरा हुआ, इधर कीबोर्ड लगे हुए, इधर गिटार के बॉक्स लगे हुए हैं, और ये डिस्प्ले में लगे हुए पियानो। ये वाला अपना ग्रैंड पियानो, जिसको भी ग्रैंड पियानो एक्सपीरियंस करना है वो अपने स्टोर पर आ सकते हैं, विजिट कर सकते हैं, मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। ये देखिए भाई, इसकी जो आवाज है ना, किसको प्ले करना आता ना, एकदम मजेदार आवाज है। चलो नीचे चलते हैं। तो गाइज आप लोगों को किसी को भी चाहिए गिटार, पियानो, कीबोर्ड, ड्रम और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कुछ भी चाहिए तो मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, और तो आपको बेस्ट प्राइस में बेस्ट चीज आपको मिल जाएगी। तो इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। ब्लॉग पसंद आए तो लाइक कर लीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं कैसे नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।